हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग लॉकडाउन में होंगे और प्रॉब्लम्स बहुत सी आ रही होंगी। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इस समय ये होगी कि आप लोग अपने लेक्चर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर्स को कैसे दिखा जाएगा। जैसे कि अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्टर सर ने गाइड किया और हमने एक यूट्यूब चैनल को डेवलपमेंट किया। ये YouTube चैनल जो है, डायरेक्टर सर ने बताया कि क्या हम बच्चों के मैसेज को डाउनलोड करके या उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये सर हो सकता है और हमने इसको एक ट्रायल किया। कल हमने देखा कि बहुत सारे वीडियोस हमने आप सब ने भेजे और सब मुझको मिले, और ये सारे वीडियोस को हमने घर से मोबाइल के थ्रू अपलोड किए और सब्सक्राइबिंग नंबर ऑफ सब्सक्राइब जो है वो 100+ हमें मिले। ये एक अचीवमेंट है कि विद इन 6-7 घंटे के अंदर हम लोग के पास इतना अधिक सब्सक्राइबिंग मिला। तो हमारे लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया। अक्षर सर ने, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने कहा कि क्या हम लोग वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं बच्चों के लिए। मेरा यस, क्यों नहीं सर। जैसे ही सर ने अप्रूवल दिया, सारी फैकल्टी अपने अपने तरीके से वीडियो क्लिप्स बनाने में लग गई। जैसे जैसे वीडियो क्लिप्स हम पर आती जाएगी, मेरे पास आती जाएगी, मैं आप सबके लिए अपलोड करता जाऊँगा। लेकिन बेसिकली ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ कि प्रॉब्लम यह आएगी कि हम लोग वीडियो देख तो लेंगे लेकिन नेट अगर नहीं होगा या हमारा पास में नेट पैक नहीं होगा तब वीडियो को हम देख कैसे पाएंगे। उसका एक तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक प्रॉब्लम बच्चे कल कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर हमें सारी वीडियोस नहीं दिख रही हैं, टॉप 3 वीडियो दिख रही हैं। इसका एक प्रॉब्लम था, उसको हम शॉर्ट लिस्ट करके बता सकते हैं कि आप लोग देखते हैं जब यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा चैनल ओपन हो जाता है। आप उसमें चैनल डालते हैं BIMT लाइव नाउ के नाम से, तो उसमें एक जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग चैनल में एंटर कर जाते हैं। और ऊपर देखने पर हमारे पास में 3-4 बटन दिखाई देते हैं, जैसे कि एक होम बटन होता है, उसके बराबर में एक वीडियो बटन है, प्लेलिस्ट है। तो अगर हम वीडियो बटन को क्लिक करते हैं तो जितनी भी अब तक अपलोडेड वीडियोस होंगी इस चैनल की, वो सारी हमें शो होने लगती है। आप लोग ऐसा करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात और बताते हैं आपको, जब हम लोग वीडियोस को देखेंगे, एटलीस्ट जो आपके टीचर्स जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड करवाएंगे उनके वीडियो लेक्चर्स को आप लोग डाउनलोड कर लेना। यूट्यूब डाउनलोड नहीं करने की फैसिलिटी नहीं देती है, लेकिन आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जो भी फाइल आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपके यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर है उसकी लाइब्रेरी में स्टोर हो जाती है। ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए हैं जो कि नेट का कम यूज़ कर रहे हैं या उनको जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है बहुत अच्छा है, जिनको जानकारी नहीं है तो इसको करें। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि नेट ना होने पर या कि नेट पैक ख़त्म होने पर आपके पास में सारी वीडियो मिल जाएंगे और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं समझ में आता जाएगा। सारे डिपार्टमेंट के HODs जो हमारे कॉलेज के हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वो सारे HODs जो हैं, हमारे कलीग्स जो हैं, वो वीडियोस को डेवलप करा रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारी वीडियोस आप पर आप सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास मिलती जाएगी मैं अपलोड करता रहूँगा। और ये वीडियो क्लिप छोटी छोटी क्लिपें होंगी, इनका यूज़ आप कीजिए और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।